Dear student, in this slide, we are going to study the factor rotations. Rotation means rotate कर रहे हैं अब हमने factor loadings भी किया Factor loadings का भी हमें idea हो गया कि वो क्या है अब sometimes हमारे पास ऐसी situation आती है कि जब हमारी factorization ही नहीं हो रही कोई exact solution नहीं हो रहा unique solution ही एक हमारे पास नहीं आ रहा तो so then हम क्या कर रहे हैं फैक्टर रोटेशन यूज़ करते हैं अब रोटेशन से आपको आइडिया हो रहा है कि रोटेट करें इट मीन्स कि हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ऐसी कि उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाए यूनिक सोलूशन हमें मिल जाए फैक्टराइजेशन हो जाए हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है सो रोटेशन इज अ टेक्निक यूज इन फैक्टर एनालिसिस टू इम्प्रूव द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्टर्स तो बेसिकली क्या किया है? हमने रोटेट किया और रोटेशन हमें क्या करी है उसकी इंटरप्रिटेशन बता रही है फैक्टर्स की आइडेंटिफाई थ्रू दी अनालिस गुजारे हैं हमने जो आइडेंटिफाई करना है वो थ्रू अनालस हम कर रहे हैं बेसिकली रोटेशन हमें क्या करेगी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करके हमें एक सोल्यूशन देगी वन फैक्टर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटा इन फैक्टर एनालिसिस ठीक है ना हमने फैक्टर्स तो एक्सट्रैक्ट करने थ्रू डेटा एनालिसिस है दे आर ऑफन कोरिलेटेड विद ईच अदर एज वी नो दैट कि कोरिलेशन होनी चाहिए बिटवीन फैक्टर्स एंड वेरिएबल्स विच कैन मेक इट डिफिकल्ट टू क्लियर इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ ईच फैक्टर अब कोरिलेशन तो है उसके बिटवीन लेकिन हमारे पास उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कोई बन रही है हम उससे हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सक रहे कि ये क्या कह रहे हैं उसके लिए फिर हम फर्दर क्या करते हैं रोटेशन इज यूज टू ट्रांसफॉर्म्ड अब हम इसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं द एक्सट्रैक्टेड फैक्टर्स इनटू अ न्यू सेट ऑफ फैक्टर्स दैट आर अनकोरिलेटेड और ऑर्थोगोनल बेसिकली यही कॉन्सेप्ट हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट में भी देखा था प्रिंसिपल कंपोनेंट में भी हमने कोरिलेटेड वेरिएबल्स को अनकोरिलेटेड में कन्वर्ट किया था और न्यू हमारे पास जनरेट हो गया था डेटा सिमिलरली हम यहाँ कह रहे हैं रोटेशन में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है वेरिएबल्स को एक न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया जब हमने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारे पास कोरिलेटेड वेरिएबल जो हैं वो अनको रिलेटेड वेरिएबल्स में ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं विद ईच विथ मेक्स द इजियर टू इंटरप्रेट अब हम उसको ईजीली इंटरप्रेट कर लेंगे अगर हमारे पास वेरिएबल्स के बिटवीन को रिलेशन हाई होती जाए ना को रिलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाती है आफ्टर सम ट्रांसफॉर्मेशन हमने correlated variables को रिलेटेड वेरिएबल्स को अनको रिलेटेड वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया है देन हमारी इंटरप्रिटेशन ईजिली हो जाएगी सो अनफॉर्चुनेटली अब हम उसको बेसिकली देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली फॉर दी फैक्टर एनालिसिस मोस्ट कोवेरियंस मैट्रिक्स कैन नॉट बी फैक्टर्ड हमने क्या देखा ये तो हमने कोवेरियंस स्ट्रक्चर में सारा देखा है इसकी मैथमेटिक्स हमने कोवेरियंस स्ट्रक्चर में भी देखी है तो वो कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्या है फैक्टर एनालिसिस मोस्ट को मैट्रिक्स ये उसकी कोवेरियंस मैट्रिक्स है कैन नॉट बी फैक्टर दिस इज दी कोवेरियंस मैट्रिक्स वे नंबर ऑफ फैक्टर्स के वी हैव के फैक्टर्स इज मच लेस देन पी सो वी हैव पी वेरिएबल्स तो पी वेरिएबल्स हैं और के फैक्टर्स हैं यानी हमारे पास वेरिएबल्स से हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट होना है वेरिएबल्स के फैक्टर्स बन जाएंगे

कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम उसके सोल्यूशन पे जाते हैं द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रॉब्लम इन सच केस द फैक्टर रोटेशन इज अप्लाइड हम इसको अब अपनोमैरिकली देखते हैं कि हमने इसको कैसे फैक्टर रोटेशन करनी है सपोज वी हैव थ्री वेरिएबल्स एंड वन फैक्टर सोल्यूशन के इक्वल्स टू वन इट मीन्स के वन फैक्टर सोल्यूशन है इन्हें हमारे पास थ्री वेरिएबल्स हैं थ्री वेरिएबल्स का हमने वन फैक्टर में कन्वर्ट करना है and suppose that the random variable x1 x2 x3 so we have three variables have positive definite matrix this is the variance covariance matrix using the factor movement the x which is equal to this this is the model as we know that this is the factor this is the equation number one or this is the model we have variance covariance matrix sigma which is equal to lambda lambda prime plus psi ये प्रीवियस हमने वेरियंस को वेरियंस स्ट्रक्चर में सारा हमने देखा हुआ है वे आर कैपिटल लेमडा विच इज इक्वल्स टू लेमडा वन वन लेमडा टू वन लेमडा थ्री वन अब यहां पे आप देखो हमारे पास लेमडा वन वन क्या शो कर रहा है फर्स्ट वेरिएबल विथ फर्स्ट फैक्टर लेमडा टू वन सेकेंड वेरिएबल विथ फर्स्ट फैक्टर क्योंकि वन फैक्टर सोल्यूशन है ना हमारे पास इसलिए हम इसको वन फैक्टर सोल्यूशन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं थर्ड वेरिएबल विथ फर्स्ट फैक्टर फैक्टर हमारे पास एक है तो दिस इज दी हमारे पास लेमडा की सब डिविजन है एंड साय साय इज दी दस यू नो दैट साय विच इज इक्वल टू एंड दी सायन साज दॉडल वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक सिग्मा भी हमने देख लिया हमारे पास क्या है लेमडा लेमडा प्राइम तो हमने लेमडा एंड लेमडा प्राइम कर लिया प्लस साय अब फर्स्ट लेमडा मल्टीप्लाई बाई लेमडा लेमडा प्लस साय

लेमडा टू वन इंटू लेमडा थ्री वन पॉइंट फोर तो कंपेयर कर लिया देन हमने यहाँ पे आप देखो हमने नेक्स्ट सिक्स इक्वेशंस आ गई हैं अब इन इक्वेशंस के बाद हमने फर्दर लेमडा वन वन की वैल्यूज देखनी है साय वन की वैल्यूज देखनी साय बेसिकली वेरियंस है आपके पास लेमडा टू वन की वैल्यूज लेमडा थ्री वन और साय वन साई टू साय थ्री हमें चाहिए सो डिवाइड इक्वेशन फाइव बाई इक्वेशन थ्री वी गेट लेमडा टू वन हमने इक्वेशन फाइव और इक्वेशन थ्री को फर्स्ट सॉल्व किया लेमडा टू वन लेमडा थ्री वन विच इज इक्वल्स टू पॉइंट फोर एंड डिवाइडेड बाई द इक्वेशन नंबर थ्री लेमडा वन वन एंड द लेमडा थ्री वन विच इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट सेवन तो यहाँ पर आपके पास ये कैंसल आउट हो गया तो लेमडा टू वन इसको फर्दर हमने डिवाइड किया तो लेमडा वन वन आ गया ठीक है यहाँ से ही हमारे पास इक्वेशन आ गई है फोटीन थ्री वी गेट अब हमने इसकी वैल्यू इक्वेशन थ्री में पुट कर दी यहाँ इक्वेशन आपके पास थ्री है पोटिन थ्री वी गेट दी लेमडा वन वन विच इज इक्वल्स टू दी अब लेमडा थ्री वन की जगह हमने यहाँ पर आप देखो टू वन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रही है ये पोटिन टू है नॉट इन थ्री पोटिन टू लेमडा वन वन ठीक है लेमडा वन वन लेमडा टू वन अब लेमडा टू वन की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट किया पॉइंट सिक्स लेमडा वन वन विच इज इक्वल्स टू पॉइंट नाइन तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास लेमडा वन वन स्केयर की वैल्यू आ गई है वन वन स्केयर विच इज़ इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव एंड फर्दर हमने स्केयर रूट लिया तो आंसर आ गया है वन पॉइंट टू टू फाइव अच्छा एक चीज़ है कि लेमडा वन वन स्केयर एंड लेमडा वन वन इसकी वैल्यूज हमारे पास रेंज मैंने आपको क्या बताया कहाँ तक दिस इज द फैक्टर लोडिंग्स ना तो फैक्टर लोडिंग्स की रेंज क्या होती है बिटवीन माइनस वन टू वन बट ये यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1.225 ये तो हमारी रेंज से एक्सीड कर गया हम और भी चेक कर लेते हैं इसको फर्दर हमारे पास क्या है इक्वेशन वन ना लुक एट दिस इक्वेशन वन लेमडा वन वन स्क्र प्लस साई वन इक्वल्स टू वन हेयर इज द इक्वेशन वन अब इक्वेशन वन से हम साय वन की वैल्यू निकालते हैं साय वन की वैल्यू ली तो विच इज इक्वल्स टू वन माइनस लेमडा वन वन स्क्वेयर सो वन माइनस लेमडा वन वन स्क्वेयर की वैल्यू वन पॉइंट फाइव और साई का आंसर हमारे पास आ गया नेगेटिव जीरो पॉइंट फाइव साय बेसिकली क्या है डायगनल है ना वेरियंसिस के तो वेरियंसिस आपके पास नेगेटिव आ गई है तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ठीक है ना वेरियंस तो आपको पता है वेरियंस तो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता अब हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे वेरियंस भी नेगेटिव है फैक्टर लोडिंग्स जिसका रेंज माइनस वन टू वन है उसकी रेंज भी हमारे पास क्या आ गई वन पॉइंट टू टू फाइव तो यहाँ तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा कंडीशन आ गई ना ऐसी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो फिर हमें रोटेशन करनी होती है विच इज अनसेटिस्फैक्ट्री सिंस इट गिव्स अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ ई आई एट दिस दिस इज देरियंस ऑफ ई आई उसकी क्या वैल्यू आई नेगेटिव फॉर दिस एग्जाम्पल विथ के इक्वल्स टू वन यानी फन फैक्टर सोल्यूशन है इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट अ यूनिक सोल्यूशन ठीक है ना यूनिक सोल्यूशन नहीं आ सका हमारे पास वन फैक्टर सोल्यूशन हमने किया और वो यूनिक नहीं बेसिकली थ्री वेरिएबल्स हैं तो वन फैक्टर सोल्यूशन ही हो सकता है ना उसमें हाउ एवर सॉल्यूशन इज नॉट कंसिस्टेंट विद दटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन अब देख लो स्टेटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकती है आपके पास यहाँ पे यू नो दैट एनालिसिस मॉडल and the factor is f1f2fk are observed variable with the linear function of this. We have the factor loadings, the and here is the factor loadings, is the lambdas, is the factor loading, lambda is the factor loadings, and ei is the specific factor. and f is the common factor. may where f is the common factor. or in matrix notation, we can write as this x vector p into 1, vector p into 1. It means p variables, hai. p rows, hai, one column. Hai. And lambda, this is the matrix p into k. f, this is a vector k into 1, k rows, one vector. Plus p, which is e plus e, which is equals to, which is also equals to the vector. अब फर्दर हमने क्या किया आपके पास कोई मॉडल है तो मॉडल की अजाम्पन्स भी होती हैं और उसकी एजाम्पन्स क्या हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ़ द फैक्टर विच इज़ इक्वल्स टू जीरो को वेरियंस ऑफ द फैक्टर विच इज़ इक्वल्स टू आइडेंटिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ़ द एरर विच इज़ इक्वल्स टू जीरो को वेरियंस ऑफ द एरर विच इज़ इक्वल्स टू साई एंड साई इज़ द डायगनल ऑफ़ वेरियंस ऑफ ई आई ये सारी हमने जो एजाम्शंस हैं ये पहले भी देखी हुई हैं देन हमने क्योंकि फैक्टर रोटेशन कर रहे हैं ये फर्दर हमारी यूज हो रही हैं हम अगेन उसको स्टडी कर रहे हैं इन सच केसेस द फैक्टर लोडिंग्स आर रोटेटेड अब हमारे पास आया फैक्टर लोडिंग्स क्या था हमारे पास लेमडा लेमडा वन वन की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन वन थी अब हमने उसको क्या करना है रोटेट करना है यानी हम उसमें कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं आर लोड फैक्टर लोडिंग्स आर रोटेटेड मल्टीप्लाइड बाय और थॉगनल मेट्रिक्स अब मल्टीप्लाई करने हमने औरथॉगनल मैट्रिक्स के साथ टू गेट अ यूनिक सोल्यूशन एंड सेटिस्फाई द स्टेटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अगर रिकॉल करो तो हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में भी ऐसे किए यूनिक सोल्यूशन हमारे एक्सिस्ट नहीं कर रहा था यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने औरथॉग्नल ट्रांसफॉर्मेशन की हुई हैं तो हमारे पास क्या है औरगनल ट्रांसफॉर्मेशन लेट बी बी एनी के इंटू के औरथॉग्नल मेट्रिक्स बी इंटू बी प्राइम विच इज इक्वल्स टू बी प्राइम इंटू बी विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी हमारे पास ये क्या हो गई ट्रांसफॉर्मेशन की है हमने सो दैट दिस इज़ द मॉडल एक्स लैमडा एफ प्लस ई आई वी नो दैट दिस इज़ द मॉडल कैन बी रिटर्न एज दिस हे अब यहाँ पे हमने क्या किया बेसिकली हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की की बी प्राइम बी विच इज़ इक्वल्स टू आइडेंटिटी तो वन को हम अगर किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें या आइडेंटिटी को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो so वो हमने यहाँ पे किया कि यहाँ पे बी इंटू बी प्राइम हमने इंट्रोड्यूस करा दिया अब आप यहाँ देखो फर्दर हमने क्या किया इसको इस पार्ट को हमने कंबाइन कर दिया देन हमने ये पार्ट कंबाइन कर दिया हमने क्या कहा एक्स विच इज इक्वल्स टू लेमडा स्टार अब वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया ना अब लेमडा लेमडा नहीं रहा लेमडा के साथ बी बी जो ऑर्थॉग्नल मैट्रिक्स है बी बी इन्वॉल्व हो गया और एफ अब अकेला एफ़ नहीं है उसके साथ हमने बी ट्रांसपोज इन्वॉल्व कर दिया तो आपके पास क्या बन गया दिस इज़ कॉल्ड द लेमडा स्टार एंड दिस इज़ दी

We know that this is the identity. So B prime B which is equals to identity, it means the covariance of transformed variable, which is also equal to the identity, and the expected value of the transformed, which is equal to zero. So here the variance covariance matrix sigma which is equal to lambda lambda prime plus psi. After transformation, sigma which is equal to lambda star into lambda star transpose plus psi. तो ये हमारे पास वेरियंस को वेरियंस ट्रांसफॉर्म्ड या रोटेटेड हमारे पास वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स आ गई वी कैन रिटर्न एज फर्दर उसे ये लिखा हमने सिग्मा यहाँ पे उनकी वैल्यू सेंटर कर दी है वैल्यू सेंटर करने के बाद उसको हमने थोड़ी सी ट्रां सिंप्लीफिकेशन की है वैल्यू सेंटर हो गई उसके बाद फर्दर इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारे पास आइडेंटिटी हो गया या आप इसको हमने कह दिया दिस इज़ द लेमडा स्टार और ये आपके पास लेमडा स्टार और लेमडा स्टार प्रपर्टीज एंड इवन दो लेमडा स्टार आर आ जनरल डिफरेंट फ्रॉम द लोडिंग लेमडा ये तो अब ऑबियस है क्योंकि पहले हमारे पास फैक्टर लोडिंग्स थी जिसको हम लेमडा कह रहे हैं कैपिटल लेमडा अब फैक्टर लोडिंग्स ही है बट वो हमारे पास कैपिटल लेमडा स्टार है बिकॉज कि हमने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की है तो अब जो फैक्टर लोडिंग थी लेमडा और फैक्टर लोडिंग है लेमडा स्टार दोनों इक्वल तो हो नहीं सकती उनमें कोई ना कोई डिफरेंस तो आएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आई हुई है दे बोथ जनरेट द सेम कोवेरियंस मेट्रिक सिग्मा अब यहाँ पे आपने क्या कहा दिस एम्प्लाइज दैट एफ हैव दिस सम दल प्रॉपर्टीज इवन दो दिस आर इन जनरल डिफरेंट फ्रॉम द लोडिंग्स यानी कि आपके पास ये फैक्टर लोडिंग और आपके पास यहाँ पे ये फैक्टर लोडिंग्स दोनों ही डिफरेंट होंगी बट बोथ जनरेट दी सेम कोवेरियंस मेट्रिक सिग्मा लेकिन जब हम वेरियंस कोवेरियंस मेट्रिक सिग्मा जनरेट करेंगे तो वहाँ से हमें सेम रिजल्ट आएंगे तो ये बेसिकली हमारे पास है फैक्टर रोटेशन रोटेशन में हमने कर दी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमने देखा उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन भी आ रहा है एग्जिस्ट कर जाएगा और आफ्टर दैट लोडिंग्स हमने देखी है कि फैक्टर लोडिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी बट उनके सेम वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स जनरेट हो जाएंगे दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दी फैक्टर रोटेशन